वेलकम बैक टू सनेशन वर्ल्ड। सभी को मेरा राम राम। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड प्लीज सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे। तो आप मेरे को देख रहे हैं, ये देखो ये क्या किया हुआ है। तो आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई, सिंपल ही, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल एक सूट पहना है मैंने। और क्या पहना है दिखाती हूँ, दूर से अगर दिखता है देखो। ऊपर तो एक सूट है ऑनलाइन ही, मैंने एक मेरी स्टूडेंट है उसका इंस्टा पे पेज है, पेज का नाम मैं भूल रही हूँ, खैर फिलहाल अगर याद आएगा तो टैग कर दूंगी। तो उससे मैंने ही लिया था। अभी फिलहाल कॉलेज में ही है वो, उसका कोई बिजनेस है तो उससे मैंने परचेज किया था लास्ट, काफी दिन हो गए हैं बट पहना नहीं था मैंने, तो आज मैंने इसको पहना है। और क्योंकि ठंड है तो मैंने थर्मल अंदर डाली हुई है, आप देख सकते हो। फैशन अपनी जगह है बाकी, लेकिन बाकी चीजें भी अपनी जगह पे है। तो मैंने अंदर थर्मल पहना हुआ है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करा है, सिंपल जो टेंट मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, मैं उसी टेंट को यूज करती हूँ। आप देखोगे लिप पे भी हल्का सा चिक्स पे लगा लेती हूँ तो डन हो जाता है मेकअप मेरा। आज का ऑल टाइम फेवरेट अभी यही चल रहा है, जो टेंट मैंने ली थी लिप बाम और जो चिक टेंट थी उसी को मैं यूज करती हूँ, एक्टे की जो थी। तो हाईली रिकमेंड करूंगी जो भी लेना चाहते हैं। तो आज तिल चौथ भी है, जिसको हमारे यहाँ पे सकट चौथ बोलते हैं, तो आप सबको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी लेडीज ये व्रत रखती हैं, व्रत सेम रहता है जैसे हमारा करवा चौथ होता है ना, सेम होता है, प्रोसेस सेम है इसका। ये व्रत किया जाता है बच्चों के लिए, जो जिनके बच्चे नहीं है, ऐसा भी कहते हैं जो बच्चे नहीं है वो बच्चे पाने के लिए करते हैं जो। बट मैं शुरू से करती आई हूँ, मैं ना अनमैरिड से ही चौथ के व्रत रखती थी। तो कहते हैं जोड़े की चौथ करनी चाहिए, मैं चार चौथ होती है वैसे तो, लेकिन जोड़े की दो तो करनी ही चाहिए ऐसा कहते हैं। तो अब मैं शुरू से करती आई हूँ। देखो वो चीज़ है, लोग नहीं करे वो एक अलग है, जो एक होता है ना मन में श्रद्धा है, शुरू से मैं करती आई हूँ तो मुझे फिर वो हैबिचुअल हो चुकी हूँ। अनमैरिड से ही मम्मी करते थे ना, तो हमें भी शौक नहीं होता, तो बच्चों को हम भी करते हैं, हम भी, मैं तभी से कर रही हूँ। क्योंकि मेरी ससुराल में नहीं करती, मदर इन लॉ तो नहीं करते, गाँव में तो करते हैं, दीदी करती थी, जीजी जो है वो करती है, बट मेरी देवरानियाँ भी नहीं करती। छोटी वाली देवरानी अभी कह रही थी इस बार से शायद शुरू करने की, तो शायद वो करे। तो बस आज है चौथ, अभी बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। इसमें भी हम सेम करेंगे, सेम करते हैं, सूरज को अर्घ दे के चाय पी लेती हूँ। राजस्थान में इससे क्योंकि चाय पी लेते हैं, मेरी मम्मी के यहाँ तो नहीं पीते यूपी साइड में, बट मैंने चौथ जैसे करवा चौथ पे भी हमारे चाय पी लेते हैं कथा सुन के, जैसे अभी कथा सुनूंगी अभी और पूजा करके, और फिर शाम को सूरज चांद को अर्घ दे के फिर हम कुछ खाएंगे पियेंगे। अभी सॉरी, एक टाइम पूजा के बाद आप चाय पी सकते हो, और मुझे लगता है हम जैसे चाय लवर्स को एक बार अगर चाय मिल जाए ना तो वही सफिशियंट है, खाना ना मिले तो भी चलेगा। और देखो काम करते करते ऑलरेडी अभी इस टाइम पे 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज चुके हैं, तो वो भी पूजा उजा करूंगी तो 3:30 बजेंगे आराम से। चाय यानी 3:30-4 बजे चाय बनेगी मेरी, और फिर वही फिर शाम को खाने में लग जाओ। तो शाम को खाने में भी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। एक बार मन आ रहा है कि भापला बना लूँ, जो MP की होंगी उन्हें पता होगा दाल भापला, काइंड ऑफ बाटी होती है बट उसको उबाल के बनाते हैं, देखती हूँ मन में है। या फिर हो सकता है पनीर रखा है तो खीर पूरी पनीर जो भी है कुछ बना दूँ। बट मेन जो यहाँ पे सकट चौक पे माता को चढ़ता है और गणेश जी भगवान को चढ़ता है वो है तिल, तिलकुट, क्योंकि इसको तिलकुट चौथ भी बोलते हैं। तो जो तिल है ना, वाइट तिल को भून के उनको ग्राइंड करके और गुड़ डाल लो, अब आपके ऊपर है। मैंने 2-3 बार बना चुकी हूँ मैं, और अभी अभी मैंने प्रसाद के लिए फिर से बनाया है तिलकुट। तो भगवान जी को तिलकुट चढ़ाते हैं, यानी कुटे हुए तिल और गुड़ वो अर्पित किए जाते हैं, और या फिर लड्डू फॉर्म में बना लो, तो मैंने लड्डू भी बनाए हैं और तिलकुट भी है। तो बस वही है सिंपल। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। एंड यस फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, आज आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छा कुछ एक चीज है, तो ब्लॉग को पूरा देखना करेंगे बस। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल रेडी हुई है, सिंपल चूड़े पहन लिए, सूट पहन लिया है। एक और सरप्राइज है, मैं आपको दिखा दे रही हूं। यही हमारा सरप्राइज है, हमारी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। और यस, क्योंकि रेडी हुए तो इंस्टा पे रील्स जरूर बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां भी हम अच्छे अच्छे रील्स बनाते रहते हैं। हेलो नाइशो, कल ही नाइशो ने डाली थी, और आज क्योंकि रेडी हूँ थोड़ा बहुत, तो लेकिन चाय बना के डालूंगी, अभी इतना हिम्मत नहीं है, पहले चाय पियेंगे, पहले पूजा करती हूँ फिर चाय पियूंगी, और फिर इंस्टा की रील्स बनाएंगे और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे। देखिए यूट्यूब शॉर्ट्स में क्या है ना, मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम की रील्स को ही डाल देते हैं वहां पे, कॉपी करके डाउनलोड करके। मैं भी डालती हूँ शुरू में, इनिशियली मैं भी डालती थी तीन तीन चीजें पूरी भूल दी ने था। हाँ,
तो लेकिन अगर YouTube शॉर्ट्स डायरेक्टली बनाते हो तो उसमें कोई फिल्टर नहीं होता, नेचुरल आप जैसे हो वैसे, जैसे मैं भी नेचुरल दिख रही हूँ, जो मेरी रियलिटी है वैसे ही दिख रही हूँ आप लोगों को। लेकिन यार जो इंस्टा शॉर्ट्स, जो इंस्टा क्या कह रही हूँ, जो इंस्टा की रील्स होती है ना, उसमें फिल्टर्स बहुत सारे होते हैं जो हमें सुंदर बना देते हैं, तो उसमें ऑफकोर्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो वो रियलिटी नहीं होती है। लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स पर हम डायरेक्टली जब शॉर्ट्स बनाते हैं तो वो शॉर्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि तो उसमें कोई फिल्टर्स नहीं है। अगर होता हो तो मुझे नहीं पता, मुझे डायरेक्टली शॉर्ट्स पता है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर कुछ ऐसा पता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स में भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, पूजा करने जा रही हूँ। पूजा का मैं चाहे फोटो दिखा दूंगी थोड़ा सा, एक्चुअली वहाँ उसकी क्लास चल रही है तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो आप इन देख लीजिए। पूजा करूंगी बस, सिंपल कहानी सुनेंगे, कथा सेम जैसे करवा चौथ करते हैं वैसे ही कथा होता सुननी है, सिंपल रहेगा। एंड यस, जैसा मैं कह रही हूँ, आज ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बट ब्लॉग लंबा ना हो जाए बस। कुछ फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और बस अब मैं चाय पीने बैठी हूँ। हाँ, सबने टीका लगा ही रखा है, तो बस अब मैं चाय पी रही हूँ। और शाम को आप ऑफिस गए तो शाम को फिर चांद देख के, हम अर्घ दे के और फिर मैं खाना खाऊंगी। फिलहाल सिर्फ एक बार चाय पी रहे हैं। एंड यस, आयुष कुछ कहना चाह रहा है तो उसको सुन लीजिए। एंड कल हम करेंगे लाइव स्ट्रीम। यस, तो कल हमारा रहेगा लाइव स्ट्रीम, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िएगा। कुछ दिन पहले भी करी थी लेकिन उस पे ज्यादा लोग आए थे नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता ना इंस्टेंटली। बट अभी हम लोग प्री प्लान, जैसे कि हमने लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि हम लोग लाइव आएंगे 22 को, क्योंकि 22 को हमें हो रहे हैं 1 ईयर ऑन YouTube। तो फ्रेंड्स, अभी इसके बाद मैं कुछ थोड़ी सी मेमोरीज आपके साथ शेयर करूंगी। कल मैं वीडियो नहीं डालूंगी, कल हम सीधा लाइव आएंगे। तो जो हमारी 1 ईयर की जर्नी रही है उसको इन शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वीडियो में, तो प्लीज एंजॉय कीजिएगा। हमारी फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स नाइशा ने सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बोला था ना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो से और अभी तक की जर्नी देखिएगा, हमारे कितने चेंजेस आए हैं, हम मेरे में, आयुष में, नाइशा में एंड हमारे वीडियोस में। और यस, आई नो धीरे धीरे ही बंदा सीखता है, तो विद टाइम ही हमारी भी वीडियोस अच्छी हो रही हैं। जो मैंने फील किया, जो शेकिंग बहुत ज्यादा शुरू में होती थी, अब वो वीडियोस शेक नहीं होते हैं, तो उसका ध्यान दिया है, स्टेबलाइज रहती है। हाँ बोलो। तो चले फ्रेंड्स, और यस कल आप लोगों को लाइव जरूर आना है 8 o'clock टाइम याद रख लीजिए, अलार्म्स लगा लीजिए या यूट्यूब पे देखिए, मोबाइल्स में आप कहीं पे भी ऑन कर सकते हैं, जहां भी हो, चाहे किचन, चाहे कहीं पे भी, ऑफिस ऑफिस आप ऑन कर सकते हैं अपने, 8 बजे से ऑफिस कोई होता नहीं है, तो अपने मोबाइल्स को या लैपटॉप को जहां से भी आप ऑन होना चाहे, कल हमारे लाइव में जरूर आइएगा और हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे हम लोग हमारा 1 ईयर ऑन यूट्यूब। पहले हमने स्टार्ट किया था नेम शनाइशा वर्ल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मदरशिप, फिर बहुत लंबा लगा मुझे, तो विद टाइम फिर मैंने खाली उसको शनाइशा वर्ल्ड में ही रहने दिया, तो वही टाइम के साथ सीखता है बंदा। तो चलिए आप हमारी वीडियो देखिए। लाइफस्टाइल मेंबरशिप पता था लेकिन मदरशिप नहीं पता था। लाइफस्टाइल एंड मदरशिप थी बेटा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग एंजॉय कीजिए मेरी छोटी सी, मैं कोशिश कर रही है मैंने क्लिप्स को ऐड ऑन करने की, लेकिन वीडियोस को मैं ना सेव नहीं रखती, मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि लैपटॉप में मैं ट्रांसफर नहीं करती हूँ, और एज अ मेमोरी वीडियो मेरे चैनल्स में है ही, तो इसीलिए मैं वो स्क्रीन रिकॉर्ड ही करके आप लोगों को अपनी एक जर्नी दिखा रही हूँ। तो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड यस, लाइव का याद रखिएगा कल 8 बजे। क्योंकि मम्मा साड़ी पहन रही थी तो शी ऑल्सो वांटेड कि वो भी साड़ी पहने, तो आज का ब्लॉग जैसे नई शादी की आप तो साड़ी में एवरीवन। हेलो एवरीवन।
नाइशो, आज हम यहाँ पे आए हैं अपना न्यू चैनल स्टार्ट करने के लिए, है ना नाइशो? हाँ। हमें स्टार्ट करना चाहिए? हाँ। मम्मा को बनाना चाहिए चैनल? हाँ। आयुष? हाँ। इन दोनों को ही बहुत पसंद है ब्लॉगिंग करना, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपना खुद का चैनल ही बना ले, है ना? मम्मी आपने बना दिया हम... और फिर कप काट कर देना और लाइक कर देना बेल बटन दबा देना। एक्चुअली नाइशा को और आयुष को दोनों को ही ब्लॉगिंग बहुत पसंद है। वेलकम बैक टू आवर चैनल नाइशा हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मदरशिप। हम आइसिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कल का ही ब्लॉग। ये व्हिप क्रीम हम तैयार करेंगे, यह है रिच की व्हिप क्रीम। आपको इसको फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख देना है एक दिन पहले, ठीक है? और फिर थोड़ी सी क्रीम लेंगे, 1/4 बहुत रहती है, 1/4 से कम। तो सारा इनोवेशन आपका है, कैसे आइसिंग करनी है बिना टूल के, बहुत सारे तरीके। ठीक है, मैं ब्राउन कलर यूज करती हूँ, आपको ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हैं, जो कलर आपको लगे। उस... तो मामी तो पंजाब में पंजाबी पूरे। तो फ्रेंड्स आई गेस सबको मेरा आईज का मेकअप अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आईज का मेकअप पसंद आया हो तो हम कैसे हैं सर? तो ये वीडियो है 28 मार्च का इवनिंग, वो से पार्ट्स में आएगा, ठीक है? बाय बाय। आयुष को बाय कर दो। और ये है नशा का बेटा जैविक काफी, इसके पास कुंजन नानी 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 मेरा मजा आ जाता है। तो ये आयुष की प्लेट रेडी है, ये आयुष एंजॉय करेगा अपना चुनचुन नान। मैं दिखाती हूँ मार्केट में बड़े लोग पनीर ड्राई फ्रूट्स किशमिश काजू मेन होते हैं, वो डालिए पनीर डालिए और क्रश कर दो और एंजॉय। सॉरी फॉर आर्टिस्ट, आज मैं काफी दिनों बाद ये ब्लॉग्स बना दिए थे बट एडिटिंग नहीं की थी। एज यू ऑल फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का डैशबोर्ड है और आप देख सकते हैं मेरा न्यू अचीवमेंट 4000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड मेरे करंट सब्सक्राइबर्स आपको दिख रहे हैं क्योंकि वैसे हाइड होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये डैशबोर्ड आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।